हर साल इंडिया में 55 से लेकर 65 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। नजामी मते, जो एक मटेरियल इंजीनियर हैं और एक ऐसी कंपनी की फाउंडर हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। Instead of just sitting in the sidelines and complaining, essentially companies have to pay to dispose the waste. So we solve their problem. The waste essentially comes for free. This is the plastic waste we get from factories. इन ब्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री से आए हुए प्लास्टिक वेस्ट और सैंड को मिक्स करते हैं, फिर एक एक्सट्रूडर हाई टेम्परेचर में प्लास्टिक वेस्ट विद सैंड को मिक्स करते हैं और उसे कंप्रेस किया जाता है। प्लास्टिक इज फाइब्रस इन नेचर, जिसकी वजह से यह प्लास्टिक ब्रिक्स 5 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं कॉन्क्रीट से। हर दिन जेंगे मेकर्स 1000 से 1500 ब्रिक्स बनाते हैं। अभी तक उन्होंने 20 मेट्रिक टन वेस्ट रिसाइकल किया है और अगले एक साल में ये नंबर 20 से 50 करने की कोशिश करेंगे। नजामी मते को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 फॉर अफ्रीका का खिताब भी मिला है। थैंक यू नजामी मते। इफ यू फाउंड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।